प्रथम तहलका न्यूज। और करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल करनाल में दोपहर बाद दो पक्षों में जबरदस्त झगड़ा हुआ है। आपको बता दें कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में जाकर तोड़फोड़ की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कि गली में खड़ी दो बाइकों को आग के हवाले किया गया, तो वहीं पांच बाइकों को तोड़फोड़ दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो करनाल से आ रही है, जहां दोपहर बाद दो पक्षों में जबरदस्त झगड़ा हुआ। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में हुए झगड़े के बाद पूरे गाँव में तनाव का माहौल है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, फिलहाल गाँव में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये दोनों पक्ष जो है वो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, और दोनों समुदाय के लड़कों के बीच कुछ आपसी बहस हुई, जिसके कारण ये झगड़ा हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो करनाल से आ रही है, जहां दोपहर बाद दो पक्षों में जबरदस्त झगड़ा हुआ है। आपको बता दें कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर जाकर तोड़फोड़ की है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में जो है लोग है वो दोनों अलग अलग समुदाय के लोग हैं, और यही दोनों समुदाय के लड़कों के बीच कुछ आपसी बहस हो गई और जो झगड़े का कारण बन गया। आपको बता दें कि फिलहाल गांव में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है, और झगड़े की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीएसपी विजय देसवाल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो करनाल से आ रही है, जहाँ दो समुदायों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। और आपको बता दें कि एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के घर में जाकर तोड़फोड़ की, और इस दौरान गली में खड़ी दो बाइकों को जहां आग के हवाले किया गया, तो वहीं पांच बाइकों से तोड़फोड़ भी की गई। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में हुए झगड़े के बाद गांव में जो है वो तनाव का माहौल है, और फिलहाल गांव में पुलिस फोर्स को जो है वो तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों समुदाय के लड़कों के बीच आपसी बहस हुई और यही झगड़े का कारण बन गई। आपको बता दें कि झगड़े की सूचना पाकर डीएसपी विजय देसवाल जो है वो मौके पर पहुंचे, तो इसके साथ ही सेक्टर 32 और 33 के थाना एसएचओ भी फोर्स के साथ जो है वो मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो करनाल से आ रही है। अरे काम भाईचारे का है, समझा, कोई किसी काम आ जाए, कोई किसी काम आ जाए, लेकिन हम लोग का जो भी इसमें उन्हें छोड़ो नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। हम खुद करेंगे, आप भी बायकॉट करेंगे, है? आप भी बायकॉट करेंगे ऐसे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, काम से बायकॉट करेंगे। मैं तो एक भी गेर में नहीं बैठता, एक भी लड़का ऐसे तत्वों को चाचा जी बैठने भी नहीं देते अपने गेर में। पर हाँ, गांव में गलत काम हुआ है बहुत ज्यादा, इस चीज की हमें नहीं, कारण तो इस बात का तो हमें भी नहीं पता लग रहा है भाई। थोड़ा कुछ बाहर के थे, गांव के थे, कुछ बाहर के थे, तो पहले भी कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं, पहले कभी कुछ नहीं हुआ, एकदम से अचानक हुआ सारा झगड़ा। क्या क्या सामान जो है यहाँ पे बाइक, बस आपने देखा है सब कुछ, नुकसान इतना हो रहा है कोई भी इस चीज का? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, नुकसान की पुलिस, हम तो कहते सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए हमें, तो पूरे गांव के साथ है, पूरा गांव रहा हमारे साथ है। चोट भी आई है? हाँ बिल्कुल आई है जी, मेडिकल करवाने के लिए ले जाया जा रहा है उनको। तो कितने लोगों द्वारा हमला किया गया? बताया जा रहा है 100-150 के नजदीक। कितने घरों में तोड़फोड़, कोई नहीं बच रहा घर तो, आपने देखा होगा घूम के, तो कोई बच नहीं रहा। क्या कार्रवाई चाहिए? कार्रवाई तो पूरा गांव राव के साथ है, पूरा गांव राव इनके साथ है, कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, पूरा गांव राव एक है सब चीज़ों में, सारी बरादरियों के साथ हमारा गांव राव किसी चीज़ में वो नहीं है पीछे भी। खड़े और भी हमने पुलिस बुला ली है, और सब मामला अभी शांत है। क्या बात क्या हुई थी सर? बात बच्चों का झगड़ा हुआ है, उन लोगों ने फिर यहाँ गांव में वाल्मीकि घरों में तोड़फोड़ की। कुछ लोग नहीं, अभी हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई है, और हम जल्दी राउंड का माहौल है, तनाव है, सामान की तोड़फोड़ की है, घर के घरेलू सामान की, शीशे, मोटरसाइकिल, व्हीकलों की तोड़फोड़ की। कितनी मोटरसाइकिल है? 3-4 मोटरसाइकिल की तोड़फोड़ हुई है, और एक मोटरसाइकिल जलाई है। कार्रवाई हम एप्लीकेशन लेने की इंतजार में, और हम FIR दर्ज करेंगे और आरोपियों की तलाश करेंगे। युवा वाल्मीकि लोग, युवा लोग, दोबारा से आए थे जो लोग दूसरी पार्टी के? नहीं नहीं, अभी कोई नहीं आया यहाँ पे, ये वैसे किसी ने अफवाह फैला दी, वो गलत किसी आदमी ने वैसे बोल दिया, अभी यहाँ कोई नहीं आया। सर दो बार झगड़ा हुआ है, दोबारा होने की भी आशंका है? नहीं, ऐसी कोई आशंका नहीं है, हम यहाँ मौके भी मौजूद है, हमने रात को भी तैनात की जाएगी पुलिस यहाँ पर, रात को भी हमें तैनात, दूसरी पार्टी को गिरफ्तार किया जाएगा। आज जोड़ के माफ मांगनी मैंने तो। कितने लोग थे? छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर।